वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू. सो बेटे येस्टरडे वी स्टार्टेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रीगेट सप्लाई. एग्रीगेट डिमांड हमने कर लिया, अब हम कर रहे थे एग्रीगेट सप्लाई. एज आई एक्सप्लेन येस्टरडे, एग्रीगेट सप्लाई रेफर्स टू द आउटपुट फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एज प्लान्ड बाय द प्रोड्यूसर्स ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर. अगर एक पर्टिकुलर ईयर में सारे प्रोड्यूसर्स जो हैं, फर्म सेक्टर जो है, वो मिलके ये सोच रहा है कि हम 100 करोड़ की आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे, तो इसका मतलब एग्रीगेट सप्लाई कितनी होगी, 100 करोड़ रुपए. ठीक है. देन सेकंड पॉइंट वी डिस्कस्ड वाज दैट एग्रीगेट सप्लाई विल अमाउंट टू नेशनल इनकम. यू कैन इवन राइट इट डाउन, एग्रीगेट सप्लाई एएस लिख लिया करो, विल अमाउंट टू नेशनल इनकम ऑफ अकाउंटिंग ईयर. इसका लॉजिक हमने किया हुआ है ऑलरेडी, कल भी मैंने एक्सप्लेन किया था. जितना हम आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की हेल्प से प्रोड्यूस करते हैं, और जितना आउटपुट प्रोड्यूस करके इनकम जनरेट होती है हम वो उनको चारों को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं. दस इट बिकम सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स बिकम नेशनल इनकम. विच मीन्स अगर 100 करोड़ का आउटपुट प्रोड्यूस हुआ है तो 100 करोड़ की नेशनल इनकम जनरेट होगी. सो इट विल अमाउंट टू नेशनल इनकम ऑफ अकाउंटिंग ईयर. अब ये जो नेशनल इनकम है इसका हम क्या करते हैं बेटे, सम पार्ट ऑफ द नेशनल इनकम इज कंज्यूम्ड एंड सम पार्ट इज सेव्ड, है ना. यू कैन राइट इट डाउन, अ मेजर पार्ट ऑफ द नेशनल इनकम, अ मेजर पार्ट ऑफ द नेशनल इनकम. नेशनल इनकम माने एग्रीगेट सप्लाई, तो ब्रैकेट में लिख लो एग्रीगेट सप्लाई इज स्पेंट एंड रेस्ट इज सेव्ड. दस एग्रीगेट सप्लाई एएस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ कंजम्पशन एंड सेविंग्स. एग्रीगेट सप्लाई इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ कंजम्पशन एंड सेविंग्स. तो नीचे लिख लीजिए ए एस इक्वल्स वाई विच इज इक्वल टू सी प्लस एस. तो ये बेटे इसके क्या कंपोनेंट्स क्या हो गए, सी प्लस एस. ठीक है. नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट सप्लाई. बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट सप्लाई. Now AS can be increased either by number one. AS को हम कैसे increase कर सकते हैं, either by increasing level of employment. दो तरीके हैं output, planned output को बढ़ाने के. एक हम अपना employment level बढ़ा लें, दूसरा by making technological upgradation. हम अपनी टेक्नोलॉजी इंप्रूव कर लें. लेकिन ये केन्जियन कॉन्सेप्ट है. केन्स ने कहा कि शॉर्ट रन में टेक्नोलॉजी कांस्टेंट रहती है. ठीक है. तो एक ही फैक्टर रहा जो कि हम जो एग्रीगेट सप्लाई को इन्फ्लुएंस करता है, एंड दैट इज लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट. ठीक है. तो इसका मतलब एग्रीगेट सप्लाई, जिस तरह से एग्रीगेट डिमांड किसके ऊपर डिपेंड करती थी, लेवल ऑफ डिस्पोजेबल इनकम के ऊपर, इसी तरह से एग्रीगेट सप्लाई किसके ऊपर डिपेंड करेगी, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट के ऊपर. आप मुझे बताइए लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट और एग्रीगेट सप्लाई में पॉजिटिव रिलेशन होना चाहिए या नेगेटिव. यानी एम्प्लॉयमेंट के बढ़ने से एग्रीगेट सप्लाई प्लान्ड आउटपुट बढ़ेगी या कम होगी, पॉजिटिव रिलेशन है या नेगेटिव रिलेशन है. जितने ज्यादा लोग हम काम पे लगाएंगे उतनी हमारी आउटपुट बढ़ेगी, विच मीन्स देयर एग्जिस्ट्स पॉजिटिव डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड प्लान्ड आउटपुट. एक बात. दूसरी बात, देयर एग्जिस्ट प्रोपोर्शनेट रिलेशनशिप बिटवीन लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड प्लान्ड आउटपुट. प्रोपोर्शनेट का मतलब क्या है कि अगर एम्प्लॉयमेंट 10% बढ़ेगी तो आउटपुट भी 10% बढ़ेगा. अगर एम्प्लॉयमेंट 25% बढ़ेगी तो आउटपुट भी 25% ही बढ़ेगा.
So we can say that there exists direct and proportionate relationship between level of employment and aggregate supply. ठीक है, सो आपने लिखा है एग्रीगेट सप्लाई कैन बी इंक्रीज्ड आइदर बाय नंबर वन इंक्रीजिंग लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, नंबर टू बाय मेकिंग टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन. ठीक है, उसके बाद लिखेंगे सिंस केन्स थ्योरी, केन्स स्पेलिंग देख लो, सिंस केन्स थ्योरी is a short run analysis in which technology is assumed to be constant. Since Keynes theory is a short run analysis in which technology is assumed to be constant, so level of employment is taken to be the only determinant of aggregate supply. Level of employment is taken to be the only determinant of aggregate supply. Okay, you can change the line and write down aggregate supply increases in the same proportion as level of employment. AS increases in the same proportion as level of employment. यानी अगर ये 10% बढ़ेगी तो एग्रीगेट सप्लाई भी 10% बढ़ेगी, ये 20%, 30%, 30%, 40%, 40%, so on. ठीक है, नेक्स्ट लाइन में लिखिए ड्यू टू दिस फैक्ट एएस इज रिप्रेजेंटेड बाय अ 45-degree लाइन. एएस इज रिप्रेजेंटेड बाय अ 45-degree लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन. Due to this fact, AS is represented by a 45-degree line starting from the origin. Hill pe bhi hai ek. 45-degree line starting from the origin. अब इसका समझ लीजिए. अब हमें ये देखना है कि aggregate supply curve कैसा होगा, कैसा होना चाहिए आपके हिसाब से. पहली बात, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट के ऊपर डिपेंड करता है. ठीक है, तो इसका मतलब एक्स एक्सिस पर हम क्या लेंगे, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट लेंगे, ये हमारा इंडिपेंडेंट फैक्टर है. ठीक है, हमने किसका कर्व बनाना है, एग्रीगेट सप्लाई का कर्व बनाना है. तो जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है यानी जिसका हमें कर्व बनाना होता है उसको हम हमेशा वाई एक्सिस पर लेते हैं. ठीक है, अब इसके बीच में क्या रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है. पॉजिटिव रिलेशन है, इसका मतलब एएस कर्व पॉजिटिवली स्लोप्ड, अपवर्ड स्लोपिंग होगा. ठीक है, ये हमें समझ में आ गया, अपवर्ड स्लोपिंग होगा. लेकिन अभी भी क्लैरिटी नहीं हुई. दूसरा पॉइंट, कर्व कहां से स्टार्ट होगा, क्या ओरिजिन से स्टार्ट होगा या ओरिजिन के ऊपर से स्टार्ट होगा. ओरिजिन से स्टार्ट होने का मतलब अगर इंप्लॉयमेंट जीरो है तो आउटपुट भी जीरो है. सो व्हाट डू यू थिंक, शुड इट स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन. अगर मैं आप में से पूरी क्लास में से किसी को क्लास डेकोरेशन का मैंने काम नहीं दिया तो मेरे पास कितने चार्ट्स आएंगे, जीरो आएंगे ना. किसी को काम पे लगाया ही नहीं तो जीरो मेरे को आउटपुट मिलेगा. तो इसका मतलब एम्प्लॉयमेंट जब जीरो होगी तो आउटपुट भी जीरो होगा, मीनिंग देयर बाय दैट एएस कर्व विल स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन. कहां से स्टार्ट होगा, ओरिजिन से स्टार्ट होगा. क्लियर है, अब होगा कैसे, ये ओरिजिन से कौन सा एंगल बनाएगा, क्योंकि देयर एग्जिस्ट प्रोपोर्शनेट रिलेशन
बिटवीन इम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट, इसीलिए ये कर्व 45 डिग्री से स्टार्ट होगा। 45 डिग्री का मतलब इधर 10 इधर 10, इधर 20 इधर 20, इधर 30 इधर 30, यानी प्रोपोर्शनेट रिलेशनशिप। ठीक है, सो दिस विल बी द शेप ऑफ अवर एग्रीगेट सप्लाई कर्व। हम एक आर्क बनाएंगे, आर्क को मिड में डिवाइड करेंगे, 45 डिग्री की ये जो लाइन है, दिस इज अवर ए एस कर्व। ठीक है, सो यू राइट डाउन, हमने अभी लास्ट में ये लिखा, ए एस इंक्रीजेस इन द सेम प्रोपोर्शन एज द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। उसके बाद लिखेंगे ड्यू टू दिस फैक्ट ए एस इज रिप्रेजेंटेड बाय अ 45 डिग्री लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन, बाय अ 45 डिग्री लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन। ये डायग्राम बना लीजिए, वंस यू हैव ड्रॉन द डायग्राम लेट मी नो बाय शोइंग अ थम्स अप सो दैट आई कैन मूव फर्दर। Okay, rest also make the diagram, 45 degree line banani aapne straight origin se start hoti hui. Ab iska logic main dobara se explain kar deti hu, upward sloping kyu hai, kyunki employment aur output mein positive relation hai. Origin se start kyu hai, kyunki level of employment zero hai, to output bhi zero rahega. 45 डिग्री क्यों है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट में पॉजिटिव रिलेशन है। ठीक है, ऑलराइट, शैल वी स्टार्ट नाउ। नेक्स्ट टॉपिक है बेटे हमारा कंजम्पशन फंक्शन, नोट डाउन करो कंजम्पशन फंक्शन क्या होते बेटे। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ, इकोनॉमिक्स में जब भी हम किसी वेरिएबल के साथ वर्ड फंक्शन लगा देते हैं, इसका मतलब होता है रिलेशनशिप। किसकी रिलेशनशिप, इसकी, किसके साथ, जिसके ऊपर ये डिपेंड करता है। कंजम्पशन किसके ऊपर डिपेंड करती है, आपका जो खर्चा है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, आप कितना खर्चा करोगे। आप में से कोई 100 रुपए खर्चता है महीने का, कोई 500 खर्चता है, कोई 1000 खर्चता है, किसके ऊपर डिपेंड करता है आपका खर्चा, एनीवन, पता है आपको बेटे इस बात का। यस, इट डिपेंड्स अपॉन लेवल ऑफ इनकम। ठीक है, सो इनकम और कंजम्पशन के बीच की फंक्शनल रिलेशनशिप को हम कहते हैं कंजम्पशन फंक्शन। सो नोट डाउन द फंक्शनल रिलेशनशिप, द फंक्शनल relationship between consumption and level of income, the functional relationship between consumption and level of income is called consumption function or propensity to consume. The functional relationship between consumption and level of income is called consumption function or propensity to consume. Propensity to consume को हम PTC in future refer करेंगे, बार बार इतना बड़ा word लिखना आपके लिए possible नहीं है, so you note down it as propensity to consume PTC. According to Keynes, जो एक इकोनॉमिस्ट है वो क्या कहता है, आगे इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखेंगे, कंजम्पशन
इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन इनकम। केन्स ने कहा कि जैसे जैसे इकोनॉमी की इनकम बढ़ती है तो कंजम्पशन भी बढ़ती है, बट इंक्रीज इन कंजम्पशन इज लेस देन इंक्रीज इन इनकम। इनकम के बढ़ने से कंजम्पशन में जो इंक्रीज आता है वो एज कंपेयर टू इनकम कम होता है। यानी अगर आपकी इनकम हर महीने 100 रुपए बढ़ रही है, आपका खर्चा हर महीने 100 रुपया नहीं बढ़ेगा, उससे कम बढ़ेगा, 50 रुपए, 60 रुपए, 70 रुपए ऐसे बढ़ेगा, लेकिन 100 नहीं बढ़ेगा। ठीक है, सो ये केन्स ने एक अपना लॉ दिया जिसको हम कहते हैं फंडामेंटल या साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन। तो आगे लिख लीजिए, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज हो गया, दिस इज कॉल्ड एज फंडामेंटल और साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन। ठीक है, ये जो उसने लॉ दिया कि इनकम के बढ़ने से कंजम्पशन बढ़ती है बट इंक्रीज इन कंजम्पशन इज लेस देन इंक्रीज इन इनकम, दिस इज नोन एज साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन। ठीक है, इसको हम शो कर देते हैं, हम टेबल और ग्राफ से कंजम्पशन फंक्शन एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हम ऑब्वियसली टेबुलर रिप्रेजेंटेशन करते हैं, तो वी नीड टू मेक ओनली टू कॉलम्स, वन लेवल ऑफ इनकम से इन रुपीज करोर एंड अनदर वन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर अगेन इन रुपीज करोर। ठीक है, तो हम पुराने वाला डेटा ले लेते हैं, हम बार बार दोबारा नया नया डेटा नहीं लेंगे। ये हमारे पास इनकम है और ये कंजम्पशन है एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम। हमने एक हाइपोथेटिकल डेटा लिया है, आप इसको ऐसे सोचो हमने किसी इकोनॉमी की लेवल ऑफ इनकम स्टडी की है और उस लेवल ऑफ इनकम पर हमने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर स्टडी किया है, हमने उसको ही ये उठा लिया है। ठीक है, अब ये हो गया हमारी टेबुलर रिप्रेजेंटेशन, इससे हमें रिलेशन पता चल गई कंजम्पशन और इनकम में। इनकम जीरो है तो कंजम्पशन पॉजिटिव है, इनकम बढ़ रही है कंजम्पशन बढ़ रही है, बट इंक्रीज इन कंजम्पशन इज 5 रुपीज, इंक्रीज इन इनकम इज 20 रुपीज, विच मीन्स इंक्रीज इन कंजम्पशन इज लेस देन इंक्रीज इन इनकम। ठीक है, अब हम इसकी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कर लेते हैं। सो मैं बिना स्केल के ही बना रही हूं बेटे। यहां पर हमने लिया लेवल ऑफ इनकम, यहां पर हमने लिया कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, स्केल पहले आप ले लीजिए, लेबलिंग कर लीजिए, एक्सेस ले लीजिए, लेबलिंग कर लीजिए, उसके बाद हम बनाएंगे डायग्राम। डन, ओके। सो आफ्टर यू हैव लेबल्ड, बिफोर मेकिंग कंजम्पशन कर्व आई एम ड्रॉइंग वन कर्व एट 45 डिग्रीज। मैंने ये आर्क ड्रॉ किया, इसको मैंने मिड पॉइंट इसका प्लॉट किया और इस मिड पॉइंट से निकलते हुआ मैंने एक कर्व ले लिया। व्हाट इज दिस? दिस इज वाई इक्वल टू सी लाइन। ये मैंने एक रेफरेंस लाइन ली है, सिर्फ रेफरेंस के लिए ली है ये। ठीक है, ये मैंने अज्यूम किया कि ये जो इकोनॉमी जिसकी हम बात कर रहे हैं, अगर ये सारी की सारी इनकम कंज्यूम कर दे, ठीक है, ये इसकी इनकम इक्वल टू कंजम्पशन लाइन है, इनकम लाइन कह लो, इनकम इक्वल टू कंजम्पशन लाइन कह दो, कुछ भी कह सकते हैं, एक सिंपली रेफरेंस लाइन है। यानी ये शो कर रही है कि हर पॉइंट पर जितना आपने इनकम अर्न की उतना का उतना खर्च दिया, इनकम इक्वल टू कंजम्पशन है यहाँ पर।
ठीक है। अब हम ये वाला कर्व ड्रॉ करना चाहते हैं, सी कर्व, कंसम्पशन कर्व, ठीक है। तो मैं अगेन बिना स्केल के ड्रॉ कर रही हूं, तो हमें इमेजिन ही करना पड़ेगा किस तरह से है। सबसे पहली बात, इनकम बढ़ रही है तो कंजम्पशन बढ़ रही है, कंजम्पशन कर्व कौन सा होगा, अपवर्ड स्लोपिंग या डाउनवर्ड स्लोपिंग? यस, इट विल बी अपवर्ड स्लोपिंग कर्व, ठीक है। दूसरी बात, अपवर्ड स्लोपिंग, राइट। दूसरी बात, ये ओरिजिन से स्टार्ट होगा या ओरिजिन के ऊपर से स्टार्ट होगा? अगर इनकम जीरो है, कंजम्पशन भी जीरो हो, तो ये ओरिजिन से स्टार्ट होगा। लेकिन यहां पर क्या है, इनकम जीरो है और कंजम्पशन जीरो नहीं है, पॉजिटिव है, तो ये ओरिजिन के ऊपर से स्टार्ट होगा। तीसरी लाइन, तीसरा पॉइंट, ये कर्व होगा या स्ट्रेट लाइन होगा? क्योंकि कंजम्पशन हर बारी सेम अमाउंट से बढ़ रही है, तो ये स्ट्रेट लाइन होगा, कर्व ही नहीं होगा। इसका मतलब सीसी कर्व ओरिजिन के ऊपर से अपवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन, ये हमारा आ गया कंजम्पशन कर्व सीसी, ठीक है। एट दिस, बिफोर दिस लेवल ऑफ इनकम कंजम्पशन एक्सीड्स इनकम, आफ्टर दिस लेवल ऑफ इनकम इज रीच्ड कंजम्पशन लैग्स बिहाइंड इनकम। लोग सेविंग करने लग गए, यहां पर नो सेविंग्स, ब्रेक इवन पॉइंट है ये। ब्रेक इवन पॉइंट वो होता है जहां पे आपने जितना कमाया उतना खर्च दिया, ब्रेक इवन, नो प्रॉफिट नो लॉस, नो सेविंग्स, नो कंजम्पशन सेविंग पॉइंट है ये। वेयर एज आफ्टर दैट इकोनॉमी स्टार्टेड सेविंग। तो आप इसके नीचे इसकी ऑब्जर्वेशंस लिख लीजिए। नंबर वन, ओसी इज द मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन, ओसी इज द मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन दैट इज इनकर्ड एट जीरो लेवल ऑफ इनकम, that is incurred at zero level of income, it is called as autonomous consumption, it is called as autonomous consumption। second likhiye, सेकेंड ऑब्जर्वेशन, सी सी मूव्स अपवर्ड्स, सी सी मूव्स अपवर्ड्स, शोइंग दैट देयर एग्जिस्ट्स पॉजिटिव, देयर एग्जिस्ट्स पॉजिटिव रिलेशनशिप between income and consumption, third point, इसको R में नाम दे रही हूं, third point, consumption is equal to income at point R, this point is known as break-even point, this point is known as break-even point, next point, beyond R, R के beyond देखो, consumption lags behind income, beyond R, consumption lags behind income, suggesting
that after a particular level is reached, suggesting that after a particular level is reached, people start saving. People start saving their income. People will start saving their income. ठीक है, अब बेटे देखो, अभी हमने क्या किया, हमने कंजम्पशन फंक्शन के बारे में पढ़ा. क्या होता है, क्या होता है कंजम्पशन? रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन. फिर हमने उसको टेबुलरली रिप्रेजेंट किया, यहां से समझा, इसको बोलते हैं टेबुलर रिप्रेजेंटेशन. फिर हमने उसको कर्व, कंजम्पशन कर्व बना के देखा. ठीक है, उस तरह से समझा. अब एक और तरीका है कंजम्पशन फंक्शन को एक्सप्रेस करने का, वो है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. तो वो लिखते हैं हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ कंजम्पशन फंक्शन. एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मैथमेटिकली, यानी कि इक्वेशन की फॉर्म में हम कंजम्पशन फंक्शन को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. ठीक है, तो ध्यान से सुनना है. नेक्स्ट पीरियड भी आपका इकोनॉमिक्स का है, तो प्लीज डू नॉट स्किप. ठीक है, क्योंकि मैंने आगे कंटिन्यू करना है. एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ कंजम्पशन फंक्शन, राइट डाउन रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम. रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम कैन बी अंडरस्टूड. Can be understood with the following equation. With the following equation. Equation लिख लेते हैं. C equals C bar plus BY. ठीक है, ये C bar को हम कोई constant का नाम भी दे सकते हैं, like C equals A plus by. Now what is c here, where c is consumption expenditure. ठीक है, now what is c bar, c bar क्या है? C bar is autonomous consumption. Autonomous consumption क्या होती है? Consumption when level of income is zero. Consumption when level of income is zero. See from here, when level of income is zero, people are still spending 20 rupees. So this 20 rupees is what? Kya hai ye? Ye hai autonomous consumption. See here, when income is zero, consumption is OC. So what is OC here? OC is autonomous consumption. ठीक है, जिसको हमने represent कर दिया C bar से. Now what is B? B refers to slope of consumption curve. Consumption curve की slope बी होती है और उसको कहते हैं एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. अभी सिर्फ लिख लो, आगे हम ये सारा कंसेप्ट करेंगे एमपीसी का. अभी सिर्फ ये समझो बी क्या है, स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व और एमपीसी. और एमपीसी होता क्या है? एमपीसी इज डेल्टा सी ओवर डेल्टा वाई. ठीक है, अब चौथा क्या रह गया? वाई. व्हाट इज वाई? वाई रेफर्स टू लेवल ऑफ इनकम. सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट पीरियड. नाउ आई एम कॉल एंडिंग द मीटिंग.